सॉयल वाटर कंजर्वेशन का हम लोगों ने पहाड़ी पे काफ़ी काम किया हुआ है, और एक एग्जांपल ज़रूर दूंगा कि हमने कंटिन्यूस कंटूर वॉल बनाई है जो पूरे हिली पोर्शन और स्पेसिफिकली रिजिस एरिया में हम लोगों ने बनाई है ताकि सडन गश ऑफ वाटर ना हो, तो उससे काफ़ी फायदा है। जो भी पानी आएगा वो बिल्कुल छन के आएगा। और इस साल एक और चीज़ हमने जोड़ी है, जो खस ग्रास है वो आप उसकी क्वालिटी अगर और पढ़ेंगे तो वो पूरा जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो उसकी रूट उन एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद पानी को रिफाइंड करके छोड़ती है। तो अगेन जो हमने कंटिन्यूस कंट्रोल वॉल बनाई थी उसके ऑल अलॉन्ग हमने ये खस ग्रास लगाई है, और अब जो पानी बड़े तालाब में जाएगा वो और भी साफ होके जाएगा। Nowadays you could find that at many places people are using JCB and natural weed, I mean mechanical weed harvester for removing the weed. So what we did, instead of using any mechanical and other weed harvester, we encouraged to use grass carp for removing the weed. And removal of weed in turn helps in improving the water quality. So in that way, this particular activity helped in reducing the weed or removal of the weed through a natural process. बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो तो सबसे ज़्यादा कि हमारे जो सारस क्रेन है, हम देखते हैं कि वो डिपेंडेंट स्पीशीज, जब से सोइंग ऑफ सीड रहता है तब से क्रॉप्स जब कटिंग हो जाती, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसके जो रिमेन्स रहते हैं उनको तक वो फीड करने आते हैं, और रिमेन्स के अलावा जो उनके आसपास जो इंसेक्ट हैं उनको फीड करने आते हैं, उनके साथ जो स्पीशी जो क्रॉप लैंड में होती हैं उनको भी वो फीड करते हैं। तो अगर पेस्टिसाइड सॉइल में जाता है तो वो उन स्पीशीज़ जो उनको खा रहे हैं उनके साथ भी वो इनहेल करते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें उसके साथ, ये जब देखा कि पॉपुलेशन ऑफ सारस क्रेन बढ़ती जा रही है तो ये इसी का रिजल्ट है कि उनके साथ ये नेस्टिंग और उनको हार्म नहीं पहुंच रहा है अब। तो ये उसका एक हमने पॉजिटिव रिजल्ट देखा है।